आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। जबलपुर के सुहागी महाराजपुर में आज राष्ट्रीय कोरी कोली समाज जागृति महासभा की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कार्यकर्ताओं ने आपस में विचार विमर्श करते हुए आगामी 22 नवंबर को रानी झलकारी बाई की जयंती बड़े धूमधाम से मनाने का फैसला किया। जागृति महासभा के जिला अध्यक्ष पूरन लाल कोरी और अन्य महिला पदाधिकारियों ने बताया है कि इस बार कोरी समाज के सभी नागरिकों के साथ मिलकर बड़े ही विशाल पैमाने पर झलकारी बाई जयंती मनाई जाएगी। इस अवसर पर जागृति महासभा के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। राष्ट्रीय कोरी सभा जागृति सभा हमारे सुहागी में पंजाब बैंक के पीछे संपन्न हुई है, जिसमें निर्णय लिया गया है कि 22 तारीख को झलकारी बाई जयंती मनाई जाएगी। उसमें सभी से अपील है और अनुरोध है कि सभी समाज के लोग आगे आएं और इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे से संपन्न करें। रोशनी कोरी बताइए। राष्ट्रीय कोरी कोली समाज जागृति सभा आज मेरे निवास पे बैठक हुई, जिसमें हम लोग ने ये निर्णय लिया नई कार्यकारिणी बनाने के लिए और 22 नवंबर को झलकारी बाई जयंती मनाने के लिए। मैं अपील करूंगी अपने समाज से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर इस कार्यक्रम को संपन्न बनाए। आपका नाम? सुमन दीवान, प्रदेश अध्यक्ष। जागृति महासभा की बैठक सुहागी में सुमन दीवान जी के यहाँ संपन्न हुई, जिसमें एक कमेटी गठन का निर्णय लिया गया। दूसरा है कि 22 नवंबर को झलकारी बाई जयंती का कार्यक्रम मनाया जाएगा। उसमें सामाजिक बंधुओं से निवेदन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर झलकारी बाई की जयंती के कार्यक्रम को सफल बनाएं। पूरन लाल कोरी, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जबलपुर। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।